नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडियन हैकर और मैं हूं आपका दोस्त राहुल निगम। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे, आपने जनरली कई बार देखा होगा कि आपकी आंखों में कभी कभी ऐसा कीड़े नुमा रेंगती हुई चीज़ दिखती है, तो उसमें जनरली हम कब देखते हैं ऐसी चीज़ें? जैसे जब हम कभी आंख बंद करते हैं और नीले आकाश में, या फिर हम सफ़ेद कोई कागज़ पे, और यदि कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम आंखें बंद करते हैं, और कभी कभी हम जैसे सनलाइट में सन को देख के आंख बंद करते हैं, और वो कीड़े नुमा चीज़ जो मैंने फोटो में दिखाई है, वो कभी कभी हमारी पुतली के सामने आंखें बंद करने के बाद जिधर हम जाते हैं उधर जाती है, और जिधर वापस आना है वापस आ जाती है। तो वो कीड़े नुमा चीज़, जैसे कि लाइक कभी आपने देखा होगा कि हम जो एक बल्ब रहता था पहले, लाइट बल्ब, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था, वो फिलामेंट टाइप से कुछ रेंगती हुई चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको अभी फोटो में दिखाई हुई है, उस टाइप की चीज़ें आपको दिखती है। और इस चीज़ के बारे में आपने अपने दोस्तों से भी कभी बात की होगी, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कीड़े नुमा जो चीज़ रेंगती हुई हमारी आंखों में दिखती है अंदर आंखें बंद करने के बाद, या कभी कभी मतलब कभी भी आंखें खोलने के बाद भी कभी कभी दिखती है, वो इधर उधर होती रहती है, राइट? तो वो चीज़ के बारे में आपने कभी किसी अपने फ्रेंड से बात की होगी, लेकिन कोई कभी कभी फ्रेंड्स समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ को हम बोलते हैं आई फ्लोटर्स, इंग्लिश में हम इसे आई फ्लोटर बोलते हैं, और आप यदि इसे गूगल करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आई फ्लोटर्स एक्चुअली पुतली के सामने होते हैं, और ये जनरली सभी के साथ होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई बीमारी है। यदि आप चाहते आपको लगता है कि ये कोई बीमारी है क्या, तो ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ होता है, और ये कभी कभार होता है, मतलब जनरली नहीं होता है। यदि आप सफ़ेद कागज़ के सामने देखते हैं या फिर नीले आसमान की तरफ देखेंगे आँख बंद करके, तो आपको वो चीज़ दिखेगी, राइट, धूप में। अब चलिए हम देखते हैं कि यदि ये इसकी संख्या यदि दिन ब दिन बढ़ती है, जैसे उम्र के साथ, यदि एज के साथ ये चीज़ें, ये जो आई फ्लोटर्स होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, पर यदि जब बढ़ते हैं तब हमें हमारे आई स्पेलिस्ट के साथ इसमें एक बार इसकी एडवाइस लेना चाहिए। देखिए, जनरली ये ऐसा कोई बीमारी नहीं होती है, और यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इसके अलावा, जैसे यदि आप चाहते हैं कि इसकी संख्या कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, कभी कभार ही है हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसके बाद और भी चीज़ें इसमें, जैसे कि यदि हम ये जो हमारी आंख होती है, इसमें जो पुतली होती है, पुतली के आगे होते हैं, और ये इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने मतलब छोटे होते हैं कि ये हम खुद ही देख पाते हैं, मतलब वी कैन से लाइक ये बहुत वेरी टीनी होता है, स्मॉल होते हैं, क्रीपी होते हैं, तो वो पुतली के आगे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम खुद ही देख सकते हैं हमारी आंखें बंद करने के बाद। कोई मतलब हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, ये खुद ही हम ऑब्जर्व करते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लगा होगा, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको इसमें मतलब हेल्प मिली होगी कि ये जो कीड़े नुमा जो चीज़ होती है रेंगती हुई, कभी कभी आंखों में दिखती है, ये क्या होती है। दैट इज़ वी आर कॉल्ड लाइक आई फ्लोटर्स। सो वी यू कैन आल्सो सर्च ऑन गूगल, आप इसे गूगल पर सर्च करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बताया दोस्तों कि आपको ये नहीं लगे कि ये कोई बीमारी होती है। दिस इज़ ओनली फॉर इट्स नॉर्मल, ओके, इफ इट्स वेरी स्मॉल सो इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।